नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज शुरू के एक सुबह के कारोबारी सत्र में शुरुआत में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा महतो की क्या राय रहेगी। लेकिन कमोडिटी बाजार का अपडेट जानने से पहले आपको बता दूं, जो ओमिक्रॉन है अब धीरे धीरे भारत में भी लगातार पैर पसारता नजर आ रहा है। इसके मद्देनज़र अब कई राज्यों में हमने देखा है कि नाइट कर्फ्यू भी चालू कर दिया है, जैसे कि दिल्ली हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ। यहाँ पर कोविड और ओमिक्रॉन दोनों के जो केसेज हैं ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और नाइट कर्फ्यू भी देखने को मिला है और अब नया साल भी है। तो ऐसे में अगर आपको कहीं ये चिंता सता रही है कि आपकी दुकान एक बार कहीं फिर से बंद ना हो जाए, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आ गई है आपके लिए माई बिग ब्लिस ऐप। इस ऐप के ज़रिए आप अपनी दुकान घर बैठे बैठे भी चला सकते हैं। करना छोटा सा काम होगा, फ़ोन उठाना है, ऐप को डाउनलोड करने लाना है माई बिग ब्लिस ऐप को प्ले स्टोर से, फिर इस पर अपना स्टोर बनाना है। जो भी सामान आप बेचना चाह रहे हैं, फल, सब्जी, कपड़े, फ़ोन, घर का राशन, एक्स वाई जेड, कुछ भी आप इस ऐप से बेच सकते हैं और जो डिलीवरी की जिम्मेदारी होगी वो भी माई बिग ब्लिस की ही होगी। तो तुरंत फ़ोन उठाइए और डाउनलोड कर लीजिए माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के कमोडिटी बाजार के अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोना आज $1,806 पर इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर $23 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले सोने और चांदी में ऊपरी स्तर से एक मुनाफा वसूली बनी है। यूएस का जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा है वो निकल के सामने आया है, लेकिन यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट है, डॉलर में भी गिरावट देख रहे हैं, जिसका असर सोने चांदी की कीमतों को कहीं ना कहीं सपोर्ट के तौर पर मिलता नजर आ सकता है। तो ऐसे में आज सोने चांदी में क्या रेंज रहेगी, कितनी उठापटक रहेगी, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा है वो थोड़ा स्ट्रांग देखने को मिला है, डॉलर में गिरावट है और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में अमेरिकी बॉन्ड्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से सोने चांदी में तेजी बननी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नरमी के साथ ट्रेड होते नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सोने चांदी में आज इंट्राडे में कहीं ना कहीं तेजी बनती नजर आ सकती है? देखिए, फिलहाल सोने और चांदी के अंदर एक थोड़ा सा प्रेशर आज देखने को मिल रहा है ऊपरी स्तरों से, और देखिए $1,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन है, लेकिन वहीं रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि जो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट है वो पहले जो सेकंड वेरिएंट था उससे उतना इफेक्टिव नहीं है। इस तरीके के कुछ अपडेट्स जो है वो मार्केट में निकल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सोना हल्का सा फिसलता हुआ ऊपरी स्तरों से दिखाई दे रहा है, और दूसरा डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, इसलिए आज इंट्राडे में गोल्ड के ऊपर दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं चांदी भी आज प्रेशर के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है ऊपरी स्तरों पर, एक बार फिर से बाजारों में गिरावट आज इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दे सकती है। सोने की बात करें तो रेंज तो अभी भी फिलहाल वही बनती हुई दिखाई दे रही है, आज इंट्राडे में 47,800 से 47,700 की रेंज हो सकती है सोने में, और ऊपर में 48,000 से 200, तो ये रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। वहीं चांदी में भी 62,000 से लेकर 62,800 के बीच में बाजार ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल अभी जो मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है वो ओमिक्रॉन का ही इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से बाजारों में उठा पटक का माहौल देखने को मिल रहा है, और अभी भी देखा जाए तो सोने के अंदर प्रेशर शॉर्ट टर्म है, हल्का दबाव है, बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट नहीं है, आगे चलकर इसके अंदर तेजी का आना तय है। अगर ओमिक्रॉन बढ़ता है तो सोने और चांदी में एक वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, चांदी में इंडस्ट्रियल मांग भी बढ़ सकती है, और अभी फिलहाल जो है बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक बाजारों में यही रेंज देखने को मिलेगी। सोना नीचे में 1780 टू $1,820 में इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड करता दिखाई दे सकता है, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 47,000 से लेकर 48,400 से 500 की रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी 60,000 से लेकर 63,000 की रेंज में फिलहाल घूमती हुई दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में आज स्ट्रेटजी बिकवाली के लेकर चला जा सकता है। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार सोने चांदी में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सोने चांदी में आज बिकवाली का दौर देखने को मिल सकता है, बिकवाली करके सोने चांदी में आज चला जा सकता है, एक सीमित धारा सोने चांदी की कीमतों में वायदा कारोबार में आज देखने को मिल सकता है।
ये सिर्फ जी बात करेंगे कच्चे तेल की, तो देख रहे हैं कि कच्चे तेल में बढ़त बनती नजर आई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 पर है और WTI $76 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि US में जो इन्वेंट्रीज हैं उनमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है और जो बिजनेस हैं वो भी एज इट इज अभी चल रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन कहीं कहीं देखने को मिल चुका है विदेशों में, लेकिन अभी भी क्रूड की जो डिमांड है वो एज इट इज बनी हुई है। आपको क्या लगता है जो 4 जनवरी की बैठक होगी, क्या उसमें ऐसा कुछ डिसीजंस आ सकते हैं जिसकी वजह से क्रूड की कीमतें कुछ गिरती नजर आए? देखिए, फिलहाल कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है, ओमिक्रॉन से डिमांड पर कम असर पड़ने की उम्मीद से फिलहाल कच्चा तेल सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी ये तेजी बरकरार रह सकती है और अभी इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव है। अगर देखा जाए तो कच्चे तेल की अगर रेंज देखें तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि इसकी जो रेंज है वो नीचे में मैक्सिमम डाउन साइड जो है वो 5500 है और ऊपर में 5800, तो फिलहाल 5500 से 5800 की रेंज इसके अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है और आज इंट्राडे में पॉजिटिव है मार्केट, ऊपर में 5720 से 5740 की तेजी के साथ बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर जी बात करेंगे बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कुछ नरमी देखने को मिली है। बेस मेटल्स में आज प्रॉफिट बुकिंग दर्ज की जा रही है, आपको क्या लगता है आज इंट्राडे में क्या बेस मेटल्स की कीमतें उठती नजर आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग के बाद? देखिए, बेस मेटल में भी सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिल रहा है। निकल देखिए, वही कल की तेजी के बाद बाजारों में फिर से करेक्शन आती हुई दिखाई दी। अब ये आज इंट्राडे में थोड़ा सा लुढ़क सकता है मार्केट। निकल 1520 तक है नीचे में और ऊपर में 1540 से 1560 है और वहीं कॉपर की बात करें तो नीचे में 738 तक आ सकता है और ऊपर में 748 से लेकर 752 की आज इंट्राडे में रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक में भी 280 से लेकर 286 की रेंज फिलहाल इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बनती हुई दिखाई दे रही है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से आज नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, आज नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो सभी कमोडिटीज में ज्यादातर दबाव आज एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकता है। कच्चा तेल थोड़ा सा पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो कच्चे तेल में बाइंग की जा सकती है, जबकि आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सोने चांदी में हल्की गिरावट फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकती है, तो 47,800 तक सोना लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, तो सोने चांदी में शॉर्ट टर्म सेलिंग करके चल सकते हैं। जी, यानी कि रूपा जी के अनुसार कच्चे तेल में आज बढ़त बनती नजर आ सकती है और जो सोने चांदी है उनमें आज प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आ सकती है, उसमें शॉर्ट करके चला जा सकता है।